राम राम जी, सलाम, सत श्री अकाल जी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। सो जेंटलमैन, क्या हाल हैं आपके? सो जेंटलमैन, मैं कुलवीर सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल एंटिक शॉप इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ जी। और जेंटलमैन, मैं कुलवीर सिंह हरियाणा पंचकुला से आपके लिए बहुत ही शानदार म्यूज़िक सिस्टम लेके आया हूँ। समय समय पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर उच्च क्वालिटी के, और सबसे बड़ी बात, चमकते दमकते और बिल्कुल फ्रेश पीस, फ्रेश ब्रांड न्यू नहीं मगर बिल्कुल साफ़ सुथरे, जैसे कि आप सभी सीनियर्स को पसंद ही हैं, इस तरह के सिस्टम आपके लिए लेके आता हूँ जी। उन्हीं में से एक नगीना आपकी खिदमत में हाजिर है जी। बहुत ही कमाल का साउंड, और जेंटलमैन, बड़ा ही प्यारा ये दिखता है, सोनी का म्यूज़िक सिस्टम है जी। जेंटलमैन, इस म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो 2024 में बैठे हैं जी, तो ये 2004 का मॉडल है, 20 साल पुराना है। ब्लू आइस हिप्नोटाइज वाली बात यहाँ पे बैठती है, क्योंकि इसके ब्लू ब्लू कलर के जो स्पीकर हैं, ब्लैक एंड ब्लू कलर के, इसका एडिशन बहुत ही प्यारा है स्पीकरों का। 5.25 के 5.5 इंच के साइज़ के साथ इसके डबल डबल बूफर्स आते हैं जी, और साथ में लगे हुए ट्वीटर्स बड़ी अच्छी थ्रो देते हैं। आप इस म्यूज़िक सिस्टम में वोकल्स, ट्रबल्स और बेस का बहुत ही कंबाइंड कॉम्बिनेशन जो है उसका मज़ा ले सकते हैं जी। और जेंटलमैन, इसका म्यूज़िक सुनते ही बनता है। जेंटलमैन, बात करें मॉडल नंबर की, तो यहाँ पे देखिए सोनी बड़ा ही शाइन कर रहा है। सोनी यहाँ स्टील की फिनिशिंग के साथ ये प्रिंटिंग हुई हुई है। मिनी हाईफाई कंपोनेंट सिस्टम MHC RV22 इसका मॉडल नंबर है। जेंटलमैन, फंक्शंस की बात करें तो सोनी आपको इसमें CD, टोनर, रेडियो, FM AM, कैसेट ए, कैसेट बी प्लस रिकॉर्डिंग के साथ और गेम मोड प्रोवाइड करवाता है। इन चारों में से फर्स्ट वाले को छोड़ के, CD को छोड़ के, आप इसमें रेडियो FM AM का, कैसेट ए, कैसेट बी का और रिकॉर्डिंग का, और जेंटलमैन आप अपना PlayStation 20 के साथ लगा सकते हैं जी। बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद जेंटलमैन, इसके वोल्टेज की बात करें, 2600 वॉट PMPO कंपनी मेंशन करती है, लेकिन अगर RMS की बात करें तो ये 120 वॉट ये जो एम्प है पावर जनरेट करता है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेंटलमैन, आपको इसमें, इसे ऑक्स भी कहा जाता है, और जेंटलमैन इसको आप गेम इनपुट दे के, जहाँ टीवी की इनपुट दे के, टीवी से आउट लेके यहाँ इन दे के भी आप यूज़ कर सकते हैं जी। आपका ये पूरा सेट होम थिएटर बन जाएगा। जेंटलमैन, जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है यहाँ पे माइक लगना, और देखिए आपको माइक लेवल के साथ इको लेवल भी मिलता है। आप अपने घर पे ही, हस्बैंड वाइफ हो, ब्रदर सिस्टर हो, या फिर जेंटलमैन अपने को पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी अच्छी ही जुगलबंदी कर सकते हैं, बड़ा अच्छा मधुर गाना गा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके घर में चार चांद लग जाएंगे जब आप सिंगिंग करेंगे। और जेंटलमैन, बहुत ही बड़ा ये फंक्शन है। यहाँ पे देखिए तो हेडफोन मिलते हैं। हेडफोन्स अगर रात्रि के समय आप घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते और अकेले म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, जैसे इसका रेडियो सुनना चाहते हैं या फिर कोई भी, तो आप यहाँ पे हेडफोन भी लगा सकते हैं। जेंटलमैन, यहाँ पे आपको देखिए ऑटो स्टॉप मैकेनिज्म मिलते हैं, कैसेट ए, कैसेट बी, इस साइड पे लिखा हुआ है जी, कैसेट
कैसेट ए प्ले और यहाँ पे कैसेट बी रिकॉर्डिंग, REC मतलब रिकॉर्डिंग एंड प्ले। और जेंटलमैन ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर है, ये कलर हल्के से थोड़ा सा गहरा आपको स्काई ब्लू कलर मिलता है जो कि इसकी लुक को बहुत ही निखारता है, बहुत ही अच्छा लगता है जेंटलमैन। उसके बाद इसमें आपको यहाँ पे मैं आपको इसकी साउंड के फीचर बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको ग्रूव साउंड मिलता है, वी ग्रूव मिलता है और जेंटलमैन ग्रूव ऑफ रख सकते हैं। जेंटलमैन बटन्स की बात करें तो ये जो सिस्टम है जैसे कि 20 साल पुराना है तो लोग ज़्यादा रिमोट से इस्तेमाल करते हैं या फिर इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो बटन्स इसके जो हैं कई बार होता भी एक दो बार नहीं चलते, लेकिन कईयों के तो चलते ही नहीं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके बटन्स वगैरह काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ग्रूव ऑन, वी ग्रूव, ग्रूव ऑफ। जेंटलमैन सोनी में ग्रूव की जो टेक्नोलॉजी है ये हर एक कंपनी ने अलग अलग, जैसे सैमसंग में मैक्स आ जाता है उसमें अलग अलग गेन करने के लिए, लेकिन सोनी ने ग्रूव की जो थी टेक्नोलॉजी इसमें डाली हुई है। इसमें वैक्स टेक्नोलॉजी और ग्रूव टेक्नोलॉजी आती है। जेंटलमैन वैक्स टेक्नोलॉजी इसका जो आप इसमें इनपुट देते हैं तो साउंड को फटने नहीं देती, इसमें ये कमाल की टेक्नोलॉजी वैक्स टेक्नोलॉजी काम करती है जिसका फुल फॉर्म है वेरिएबल एटेन्यूएशन कंट्रोल सिस्टम। और दूसरी है जी ग्रूव की टेक्नोलॉजी, वी ग्रूव, जैसे आपने ऑफ रख दिया तो इस सारे सेट की आवाज़ जो है 10 नंबर पे एक पॉइंट तक रहेगी, ज़्यादा नहीं होएगी। उसके बाद अगर आपने ग्रूव ऑन कर दिया तो इसकी बेस में इजाफा होगा और जो बेस है थोड़ा खुल के आएगी और जेंटलमैन वोकल्स भी थोड़े से ऊंचे सुर में सुनाई देंगे। और अगर आप वी ग्रूव करते हैं तो ये वी ग्रूव में आपका बेस और ट्रबल बढ़ जाते हैं फिर, और जेंटलमैन वोकल्स भी आप गेन कर सकते हैं, काफ़ी बेस ये प्रेजेंट करता है जी। यहाँ पे आता है जी सराउंड साउंड, देखिए तो यहाँ पे सराउंड ऑन, सराउंड ऑफ। तो जेंटलमैन यहाँ पे देखिए तो ये जो सेट है ये स्टीरियो साउंड भी देता है लेकिन ये सराउंड साउंड भी देता है। सराउंड का सीधा सीधा मतलब एको, एक एको, पहाड़ों में आवाज़ मारते हैं हेलो हेलो हेलो, इस तरह के इफ़ेक्ट ये देता है। तो एक आपको भाव होगा कि हमें थोड़ा सा पीछे से भी आवाज़ सुनाई दे रही है। देखिए आजकल तो 5.1, 7.1, 9.1 एटमस, डॉल्बी क्या क्या आ गया है, लेकिन जेंटलमैन इसमें भी सराउंड के बड़ी ही अच्छे ये टेक्नोलॉजी दी हुई है जिससे आपको डॉल्बी का भी अभाव होगा, बहुत ही अच्छे से आप इसमें जो है म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं। इफ़ेक्ट ऑन ऑफ रखने हैं तो यहाँ से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है ये मैनुअली है, मैनुअली जैसे आप अपने पुराने इक्वलाइज़र को सेट करते हैं। ये वोकल्स हैं तो वोकल्स को आप 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर पे रख सकते हैं या फिर कम करके माइनस में जाके -2, -4, -6 पे रख सकते हैं। ये वोकल्स का हो गया, ये हो गया जी बेस का, ऐसे करके आप बेस उठा सकते हैं या फिर बेस आप कम रख सकते हैं मैनुअली, और ये ट्रबल का हो गया। उसके बाद जेंटलमैन आप एंटर कर दीजिए, ऑलराइट, तो ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे प्रीसेट इक्वलाइज़र मिलता है, प्रीसेट इक्वलाइज़र का जो मतलब है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिजिटल इसमें जो फंक्शनिंग की हुई है, रॉक, पॉप, जैज़, कैसा आपने म्यूज़िक सुनना है। देखिए ये 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और अभी आप अपना मोबाइल खोल के देखिए तो आपके भी मोबाइल में जो इक्वलाइज़र होगा डिजिटल इक्वलाइज़र होगा और उसमें भी आपको यही मिलेगा। नहीं, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा तो आप चेक कर लीजिए, आप अपना कोई भी आजकल की एप्लीकेशन खोल के देख लीजिए, आज भी ये डांस, सोल, यहाँ पे ट्रेवल थोड़े तीखे हो जाते हैं, नोट्स, ठीक है जी, ओरिएंटल,
मूवी इक्वलाइजर, देखिए आपको मूवी इक्वलाइजर भी मिलता है इसमें, गेम, ठीक है जी, करीब 7-8 तरह का डिजिटल इक्वलाइजर इसमें मिलता है। सो जेंटलमैन, सबसे पहले तो हम कैसेट की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। जेंटलमैन ये देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, वाह, सोनी ने ये बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, अपने आप वहीं जा के सेट हो जाता है। सो ये रही कैसेट जी, और ये मैंने लगा दी है, और आप चाहे तो हाथों से प्ले कर सकते हैं या रिमोट से, फुल्ली कंट्रोल है। तो चलिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो जेंटलमैन स्टॉप करते हैं, क्लियर नोट्स है, बहुत बढ़िया चलता है, यहाँ से फॉरवर्ड है, देखिए रिमोट से कंट्रोल है पूरा, हालांकि ये रिमोट इसका नहीं है, और रिवर्स, ठीक है जी, रिवर्स फॉरवर्ड, और क्या चाहिए, प्लेबैक। और चलिए साथ ही साथ आपको मैं बी साइड भी चेक करवा देता हूँ जी। तो बी साइड में हम इस पे साइड टेप बी करेंगे और प्ले करते हैं। और मुझे एक चीज़ याद आ गई है जेंटलमैन, कि कॉपीराइट आ जाता है अगर एक ही गाने को लंबा चलाया जाए। तो मैं थोड़ा रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स करके आपको थोड़ा हमारी वीडियो में कॉपीराइट भी नहीं लगेगा। और जेंटलमैन अच्छे से प्ले करते हैं। बहुत बढ़िया, और यहाँ से फॉरवर्ड, रिवर्स। तो जेंटलमैन बहुत ही प्यारा ये सेट है, और मैंने आपको अभी टेप सुनाई है, खड़ जाओ, रुक जाओ, कहीं जाना नहीं यार। देखिए कैसेट प्लेयर आप नया लेते हैं तो 8-10 हज़ार का मिलता है, लेकिन ये पूरा सेट ही मैं म्यूज़िक सिस्टम जो है पूरा आपको एक बढ़िया प्राइस पे दे दूंगा, जो कि हम लास्ट में टाइटल में डालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है जी ऑक्स, ऑक्स की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सो जेंटलमैन, मैंने इस तरह से, ये मेरी टैब है, तो मैंने यूट्यूब का गाना मैं प्ले करूँगा, और देखिए ये ऑक्स ऐसे जाती है और यहाँ पे इनपुट में लगती है, गेम इनपुट में। और भाई लोग चलिए प्ले करते हैं, यहाँ से मैं गेम सेलेक्ट करके प्ले करता हूँ। माय गॉड, बहुत सुंदर लगता है चलता हुआ। बड़ा प्यारा म्यूजिक है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है सेट। वाओ, लाइट देख, यहाँ पे आप हेडफोन लगाइए, यार बाग कमाल, इसकी बेस, ट्रबल और वोकल्स, देखिए मैंने रॉक पे किया हुआ है तो बेस ट्रबल ज़्यादा यहाँ पे आती है और वोकल्स कम आते हैं, इसकी ऐसे ट्यूनिंग की हुई है। जेंटलमैन, मैंने आपको कैसेट ऑक्स सुना दी है, चलिए आपको रेडियो का भी एक एक्सपीरियंस करवाता हूँ। जेंटलमैन, मैंने इसको रेडियो पे कर लिया है, और आपको इसमें रेडियो का एक्सपीरियंस, अगर आप रेडियो के दीवाने हैं तो बहुत ही लाजवाब मिलने वाला है। चलिए मैं, इसकी ऑटोमेटिक ट्यूनिंग है भाई लोग, अपने आप ट्यूनिंग करता है। सालों का भी नहीं रहते भाई, हमारे बचपन में स्कूल में मम्मी पापा से हमने एक चीज सी, रोड क्रॉस करो ना मोनो मोड, राइट लेफ्ट देखो, लेकिन नहीं, आई डोंट नो इनको। जेंटलमैन, इसमें रेडियो, स्टीरियो और मोनो मोड पे चलता है, आपको करके दिखाता हूँ। अभी मोनो मोड पे है, तो यहाँ पे ये जो बटन है ना FM मोड, ये तो यहाँ से ये मोनो हो गया और ये स्टीरियो हो गया। देखिए यहाँ पे स्टीरियो ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है,
जेंटलमैन, आप सोच सकते हैं कि रेडियो के नोट्स कितने अच्छे होंगे स्टीरियो और मोनो मोड पे। तो जेंटलमैन, मोनो मोड पे मैं रखता हूँ, आप रेडियो का मजा लें। इंजरी हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके साथ उससे भी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो इस एक्सीडेंट से अगर आपको बचना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज का, तो देखिए जरा अपने आप ट्यूनिंग करेगा, हर एक स्टेशन अपने आप उठाएगा अपने आप। देखा जेंटलमैन आपने, वाव। क्या क्लियर चलता है। आज का मुद्दा है महबूब की गली। जेंटलमैन, अगर आप रेडियो के दीवाने हैं, दीवानगी है रेडियो की, आप चिट्ठियां मिठियां प्रोग्राम और आकाशवाणी के दीवाने हैं, तो ये म्यूजिक सिस्टम लाजवाब है, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। राज की तरह दिख जाए, लेकर जाता हूं उसकी गली। और जेंटलमैन, इसके नोट्स अलग अलग भी आप कर सकते हैं म्यूजिक के, रॉक, पॉप, जैज, सराउंड साउंड बहुत ही बढ़िया प्ले है। जेंटलमैन, लाजवाब कंडीशन है, आउटलुक इसकी बहुत ही शानदार है, माय गॉड। जेंटलमैन, 20 साल पुराना है, लेकिन देखिए स्पीकरों की कंडीशन देखते ही बनती है, इतना सुंदर सेट है ये। स्पीकर बहुत ही क्लियर क्लीन है, 6 ओम्स में 120 वॉट के स्पीकर, और जेंटलमैन बोथ साइड बिल्कुल लवली है, लेविशिंग कंडीशन है, स्टैंडर्ड हाई है, प्रीमियम प्रोडक्ट है सोनी का, 6 ओम्स में। ये रहे जी इसके मॉडल नंबर SSRB999। देखिए यहाँ पे कंपनी ध्यान रखती है लेफ्ट और राइट का, और इसमें आपको काफ़ी लंबी वायर मिलती है, काफ़ी लंबी। तो जेंटलमैन, ये है जी एम्पलीफायर, ठीक है जी, RB22, बहुत ही सुंदर। आपको फ़ैन मिलता है, लॉन्ग प्ले, लंबा चलेगा, गर्म नहीं होता, ये बड़ी अच्छी कंपनी ने ये चीज़ दी हुई है। यहाँ पे AM का एंटीना, यहाँ पे FM का एंटीना लगा सकते हैं। जेंटलमैन, FM सिंपल, आप इसके सेंटर में एक कोई भी तार लगा के हल्की सी बाहर छोड़ दीजिए, जैसा कि मैंने अभी किया था, FM लाजवाब चलता है। और देखिए स्पीकर लगाने कितने आसान हैं, बिल्कुल प्लग इन प्ले है, ठीक है जी। स्पीकर आपको इसमें आप 6 से 16 ओहम तक स्पीकर भी लगा सकते हैं। जेंटलमैन, बहुत ही ख़ास चीज़ मिलती है, वर्ल्ड में कहीं भी चल सकता है, सप्लाई अलग अलग, ऑल ऑफ कंट्री, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, अरब कंट्रियों में कहीं भी चलाएं आप, सेट बहुत ही शानदार है। जेंटलमैन, ऑल इंडिया डिलीवरी है, कहीं भी शिपिंग करवा सकते हैं, मस्त है। जो कैसेट की दीवानगी रखते हैं, जिनके पास कैसेट प्लेयर, कैसेटों का ज़खीरा है, जिनको ऑक्स सुननी है, ये जो रेडियो दे, रेडियो कहते हैं, मोबाइल जब बंद हो जाएंगे रेडियो कभी बंद नहीं होंगे, रेडियो हमेशा चलते रहेंगे। और जेंटलमैन, इसमें आप AM और FM का मज़ा ले सकते हैं, ऑटो ट्यूनिंग है, मुझे इसका बाग कमाल साउंड लगा, मेलोडियस साउंड, बेस साउंड, और जेंटलमैन इसके वोकल्स क्या क्लियर यार नोट्स हैं, रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है ट्रॉली पे। देखिए मेरी ट्रॉली करीब 5.5 फिट की है, और इसकी चौड़ाई, और ये रखा हुआ मोहब्बत आती है इस पे। आप इसको टीवी के साथ भी अटैच कर सकते हैं बाया ब्लूटूथ, ब्लूटूथ एक्स्ट्रा हम आपको दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, ऑक्स आपको साथ में मिलेगी इसके, आप कहीं भी कोरियर करवा सकते हैं। एंटिक शॉप इंडिया आपके लिए, एंटिक ज़्यादा पुराना नहीं है, 20 साल पुराना, मैं फैंसी चीज़ें लाता हूँ जो कि दिल को भाए, छू जाएं। और जेंटलमैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा जैसे कहता हूँ, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश रहो, हेल्थी रहो, तंदुरुस्त रहो, यही दुआ है मेरी। गॉड ब्लेस यू।